जो मैं क्लास लेने वाला हूँ काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे शिक्षक भर्ती जिसका एग्जाम आपका 10 जून को है, उसी प्रकार आपका लेबर इंस्पेक्टर यानी कि श्रम सहायक पदाधिकारी का जो एग्जाम है आपका 24 जून को है। साथ ही हॉस्टल वार्डन बहुत सारे वैकेंसी है, सहकारिता भर्ती वगैरह उसी प्रकार बहुत सारी वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में। उसके लिए यह वीडियो जो है, यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास वगैरह, छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आज जो हम क्लास करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास है। साथ ही पर्यटन स्थल मंदिर वगैरह से पूछे जाते हैं, जनजाति विद्रोह वगैरह से पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे आज, वो क्लास में आपको कराने वाला हूँ छत्तीसगढ़ से, जिसमें आपके नदिया वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जनजाति वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनजाति वगैरह के विद्रोह वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुरिया विद्रोह वगैरह बहुत सारे भूमकाल विद्रोह 1910 वगैरह उसमें पूछे जाते हैं। साथ ही सूबा शासन व्यवस्था उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की इतिहास वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज जो टॉपिक है बिल्कुल कवर कराने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर पहली बार आए तो चैनल को जाइएगा जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि जो आज की जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 10 से 12 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपके पास शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम है 10 जून को, यानी कि आपके पास 1 से 2 दिन बचा हुआ है, मात्र 1 से 2 दिन। उसी प्रकार 24 जून को जो एग्जाम है, यानी कि आपके पास 12 से 14 दिन बचा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के नदिया वगैरह जनजाति वगैरह क्वेश्चन से, साथ ही पर्यटन वगैरह से पूछे जाए, जब भी शासन साथ ही सुबह व्यासन व्यवस्था से पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो पर, एक छोटी सी ब्रेक। आज का जो वीडियो है बहुत ही अंतिम खास वीडियो है, जो आप सभी के लिए अंतिम प्रयास लेकर आया हूँ। बिल्कुल वीडियो में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। आज हम क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले जलप्रपात से 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसी प्रकार आपको मुरिया विद्रोह वगैरह जितने भी विद्रोह है छत्तीसगढ़ में जनजाति वगैरह से है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात से, नदियाँ वगैरह से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल टेस्ट के तौर पर, बिल्कुल छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में। जो आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी को मालूम होगा आपका मुनगा बहार नदी पर स्थित है, ठीक है। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है कौन सी नदी के किनारे स्थित है या कौन सी नदी पर स्थित है, आप बताएंगे मुनगा बहार। मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है आपको 24 जून को है, कितने दिन बचा है आपके पास, मात्र 12 से 15 दिन बचा होगा। उसी प्रकार आपका 10 जून को शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है, यानी कि कितने दिन बचा है आपके पास, 1 दिन समय बचा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल तैयारी कीजिएगा, देखिए एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा इस वीडियो पर, क्या पता आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही पैटर्न पर प्रश्न पूछा जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती लेबर इंस्पेक्टर हॉस्टल बढ़ाने के लिए। सबसे मेन टॉपिक यह है कि आप सभी के लिए जो आपका लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 24 जून को, इसके लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो है। उसी प्रकार 10 जून को एग्ज़ाम है आपका शिक्षक भर्ती, इसके लिए लेटेस्ट वीडियो है। मैं यही कह रहा हूँ, 1 दिन बचा हुआ है, आप लोग रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात के लिए आपका मुनगा बहार हो गया। उसी प्रकार आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जितने भी यहाँ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा कि रक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो रक्षगंडा जलप्रपात कौन सा नदी पर, हसदेव, खारून, रेंड या इंद्रावती। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, बिल्कुल टेस्ट सीरीज चल रहा है, बिल्कुल नए सिरे से जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड है, यहाँ से आपके 15 से 20 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो रक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो बिल्कुल आप सभी ने आंसर दिया है सी, तो आपका आंसर सी होगा, रेंड, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन है, आप सभी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को कौन सी नदी है जो 2 भागों में बांटी गई है, ऐसा कौन सा नदी है छत्तीसगढ़ का जो 2 भागों में बांटा गया है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, महानदी या डंकनी संखनी नदी, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। फिर से आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रिवाइज करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा, आप सभी के लिए अंतिम प्रयास बेच लेकर आया हूँ, लास्ट वीडियो है, उसके बाद हमारा नए सिरे से क्लास स्टार्ट होगा हॉस्टल वाड़ाना के लिए। जो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वाड़ाना, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके रख लीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो को देख पाएँ और लाभ मिल सके, ऐसे ही एग्ज़ाम में पैटर्न पूछे जाएंगे। तो कितने लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी भागों को
दो भागों में बांटती है, ऐसा कौन सा नदी है जो छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटा गया है, विलग किया है, मतलब अलग किया गया है। तो जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल सही है, जितने लोगों को शिवनाथ नदी आ रहा है, बिल्कुल आंसर सही है, आंसर है जितने लोगों को शिवनाथ नदी आया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए चित्रकूट जलप्रपात किस पठार पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। जो चित्रकूट है आपका, जो चित्रकूट, जल्दी से याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात किस पठार पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। जसपुर, दंडकारण्य पठार, मध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितने लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल बी, तो चलिए बिल्कुल बी ही आंसर आएगा, क्योंकि 90% आंसर बिल्कुल बी आया है, दंडकारण्य पठार। तो चलिए हम देखते हैं उसके बाद, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है, जल्दी से बताइएगा। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है, मन्यारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदेव नदी। क्या पूछा गया एग्जाम में आपका कि मंत्री, मंत्री नहीं है ना, मंत्री सवाल कैसा है, वो तो इंडियन से जीके हो गया। यहाँ पर मैं अमृत धारा जलप्रपात पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से आपका क्लास चल रहा है, आप इंडियन में आ रहे हो, यह तो गलत बात है ना भाई, हैं? कल भी रहेगा वो, कल आपका भारत का सामान्य ज्ञान से क्लास रहेगी, भारत का सामान्य ज्ञान से। आज वीडियो पूरा देख लो, रट लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, रिवाइज करके जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मूर्खों की तरह इधर उधर वीडियो देखे ना, कोई मतलब का नहीं है, बस रिवाइज कर लो एक बार, एग्ज़ाम दिलाने से पहले एक बार इसको देख के चले जाइएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं ना, बात ख़त्म, बात ख़त्म। ब्लॉकेट करूँगा डायरेक्ट आपको, अब बार बार हो गया तेरा, क्या अभी पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही, जिसमें रिवाइज कर लो ना भाई, पागल हो क्या। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो अमृत धारा जलप्रपात जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, मन्यारी, महानदी, इंद्रावती, हसदेव, क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर आया है बिल्कुल सही है, हसदेव जो है, अमृत धारा जलप्रपात आपका हसदेव नदी, या हसदेव नदी, ठीक है याद रखना हसदेव है, ठीक है। चलिए केंदई जलप्रपात कहाँ पर है, केंदई जलप्रपात याद रखिएगा, केंदई, केंदई से बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, केंदई जलप्रपात आपका कटघोरा, कहाँ है, कटघोरा में, कटघोरा जिला, ठीक है, कहाँ है, धमतरी में नहीं है ना, ना बारूक में नहीं है, कांकेर में नहीं है, ये आपका कटघोरा आएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा इसका आंसर। चलिए बात करते हैं कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है, अरे आप सभी को मालूम होगा कितना है, कौन सा जल बस्तर में नहीं है, सातधारा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जल, ये तीनों ही आपका बस्तर में हैं, याद रखना, तीनों ही आपका बस्तर में है, सातधारा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, है ना। तो आप सभी कमेंट करके बताओ, ये चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जो चित्रकूट जलप्रपात है वो आपका चौड़ा जलप्रपात है या लंबा जलप्रपात है, चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, चौड़ा है या लंबा है, एग्ज़ाम में पूछता है ऐसे एग्ज़ाम में, है ना, इसीलिए मैं यह क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यो आज का यह वीडियो जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंतिम प्रयास एक बार करके जाइएगा, ठीक है। तो राम झरना जलप्रपात होगा, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, डी, राम झरना जलप्रपात जो कि बस्तर में नहीं है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बस्तर संभाग में नहीं है, तो बस्तर संभाग में नहीं है कौन सा है, खुरसेल, चित्रधारा, मेंद्री घूमर, मेंद्री नहीं मेहंदी घूमर है वो, ठीक है, रानीदाह, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बस्तर संभाग में नहीं है। तो देखिए कितने लोगों आंसर ए बी सी डी, जल्दी पोलिंग बोर्ड करके बताइएगा क्या आएगा। तो खुरसेल घाटी तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, ना चित्रघाट, चित्रधारा, ना रानीदाह, ये आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बस्तर संभाग में नहीं है, तो देखिए बस्तर संभाग में कौन कौन सा है, चित्रधारा जलप्रपात है, अब भी हमने आपको पढ़ा है, देखिए चित्रकूट जलप्रपात यानी कि चित्रधारा जलप्रपात तो है, खुरसेल घाटी ये भी है, रानीदाह जलप्रपात ये भी बस्तर संभाग में है, लेकिन मेंद्री, मेंद्री घूमर जो है आपका नहीं है, तो आंसर सी होगा, सॉरी एक मिनट ना, गलती से हो गया, रानीदाह जी, रानीदाह, एक मिनट गलती हो गया, ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं, लेकिन रानीदाह, रानीदाह कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, रानीदाह जलप्रपात कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, कमेंट करके बताओ। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, सूरतगढ़, जल्दी से बताइएगा, सूरतगढ़, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती, महानदी, डंकनी या सबरी, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी, अरे जल्दी आना चाहिए ना आंसर आप सभी का, फिर क्या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
व्यापम पीएससी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराया जाए, बिल्कुल फ्री रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है ना डेली डेली। इस वीडियो में आपको परफॉर्मेंस अच्छा आता है, इस वीडियो में आपको परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो हम भारत का सामान्य ज्ञान के जीके क्वेश्चन लेकर आएंगे कल, ठीक है। बिल्कुल लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी चल रही है, श्रम विभाग वगैरह क्वेश्चन देखेंगे, है ना। एक दो दिन रुक जाओ। इसका कितने लोगों का आंसर आया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। सूरतगढ़ जो जलप्रपात है आपका डंकनी नदी के किनारे बसा हुआ है, डंकनी नदी पर, ठीक है। सी आएगा असर रात। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जलप्रपात से, उसके बाद देखते हैं फिर किसे क्वेश्चन देखेंगे। मंदिर वगैरह क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश है? ये जो चित्रकूट है आपका धनकरण हो गया क्या? धनकरण होगा आंसर डी। बिल्कुल सही है, धनगर है, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम यहाँ से जलप्रपात से देखते हैं, उसके बाद हम फिर देखेंगे नेक्स्ट आपका रहेगा, है ना, मंदिर वगैरह तीर्थ या फिर विद्रोह वगैरह क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर चलिए मंदिर वगैरह से छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले प्रश्न देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका नया रायपुर, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, जो भी है जैसे भी है ना, डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, नया रायपुर जो राज्य स्तर के प्रशासनिक और वाणिज्य केंद्र है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता और प्रचुर संस्थाओं के लिए या घने जंगलों को पहाड़ी नदियों झरनों के लिए माना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु आपका हो जाएगा वन भैंसा, है ना। इसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम हो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय आपका बिलासपुर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में आपके 5 संभाग है, वो कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है। जो आपका प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में, याद रखना सिरपुर में स्थित है। एक बार फिर से दोहराइएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर आपका सिरपुर में स्थित है। चलिए छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम आपको एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण कौशल, क्या आएगा? दक्षिण कौशल। एक बार नोट कीजिएगा जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, दक्षिण कौशल आएगा इसका आंसर। चलिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा बीजापुर, याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यटन तीर्थ स्थल वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका बीजापुर जिले में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो जगदलपुर में, जो आपका चित्रकूट है ना जगदलपुर में स्थित है। कहाँ है? जगदलपुर में स्थित है, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ खनिज वगैरह से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोकगीत से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का लोकगीत आप सभी को मालूम हो करमा, लोकगीत कौन सा एक बार कमेंट करके बताइएगा, लोकगीत है ना। तो छत्तीसगढ़ का लोकगीत आपका करमा नृत्य होगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेल, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रिय खेल कौन सा है पारंपरिक? आपका फुगड़ी है ना, जो लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां फुगड़ी खेलती हैं। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं ना, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम को कहा जाता है। उसी पर रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? रायपुर खारून नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए इनमें से छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य आपका महाराष्ट्र है। उसी पर छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी आपका महानदी। महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, याद रखना महामाया मंदिर जो है आपके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कितना जिला पंचायत है? तो आपका 18, चलिए ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र है। कितने हैं? 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो 11 लोकसभा, ठीक है। 11 लोकसभा कितनी है? 11 लोकसभा। और राज्यसभा आपका आ जाएगा 5। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? संसद बनता है। दोनों मिलाकर क्या बनता है? संसद। एक बार याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा हैं? तो क्या आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा हैं? तो 11 लोकसभा है, और 5 कितने हैं? राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाती है? संसद बनाती है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर आपका संसद बनता है। तो संसद कितनी है? 16। संसद की संख्या 16 है, ठीक है, याद रखना। 11 प्लस 5 कितना होता है आपका? 16 होता है। कैसे? तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा माने तो यहाँ पर 11 प्लस राज्यसभा माने तो आपका 5।
इन दोनों को मिला देंगे 11-5 कितना हो जाए 16, तो ये आपका हो जाएगा संसद। तो संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि है, आप सभी को मालूम है, 51.6%। ठीक है, 51.6%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में अभी 10 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, लेकिन हाल ही में वो संख्या बढ़ गई है। इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय आपका खैरागढ़ में है। इसमें छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा, हम अभ्यारण्य वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी के बाद सेमरसोद बलरामपुर, ठीक है, कहाँ स्थित है सेमरसोद बलरामपुर, ये आपका कहाँ है, तमोर पिंगला कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सेमरसोद कहाँ है, बलरामपुर। बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर है। उसे गौमुर्दा जैव गौमुर्दा अभ्यारण्य है ना, ये सब वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी कमेंट करके ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अभ्यारण्य तमोर पिंगला है वो कहाँ पर स्थित है। ये तो आपको बता दिए 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन कहाँ पर स्थित है कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा शहर है आपको कोरबा, याद रखना। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी, महानदी। महानदी कितनी है, ये तो 290 किलोमीटर वो हो गया आपका, है ना कौन सा है, शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 885 तो पूरे उसमें फैला हुआ है। ठीक है, अब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इंद्रावती जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में, याद रखना बीजापुर में स्थित है। मामा भांजा का पुराना मंदिर कहाँ है, बारसूर। मामा भांजा का मंदिर बारसूर। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। देवरानी जेठानी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित, लाल बंगला देखिए जनजाति वगैरह क्वेश्चन बोल रहे थे ना, ये भुंजिया एग्जाम में आता है व्यापम का। ठीक है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है, आपको भुंजिया जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है, भुंजिया। चलिए, चांग देवी का देवालय किसे है, कोरिया में, जो चांग देवी ना कोरिया में है, कोरिया जिला में। नानघाट किस नदी के किनारे स्थित है, शिवनाथ नदी। नानघाट आपका शिवनाथ नदी किनारे स्थित है। छत्तीसगढ़ के क्रांतिवीर का नाम क्या है, तो वीर नारायण सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण हैं, तो 11 अभ्यारण है। कौन कौन से, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सब भी जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण, 11 अभ्यारण है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण है वो कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा जिला कौन सा है, दुर्ग, लेकिन यहाँ पर गौरार पेंड्रा मरवाही को लिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण राजगोपाल देव ने करवाया था। किसने करवाया था, राजगोपाल देव ने करवाया था। भोरमदेव मंदिर किस जिले में है, वो आपका कबीरधाम यानी कि कवर्धा जिले में है। इसको पहले कवर्धा कहा जाता था, अब इसको आप कबीरधाम कहा जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है, तो बिंबाजी भोसले है। एक बार याद रखना, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले हैं। चलिए, निम्न बस्तर अंचल की बोली कौन सी है, तो नहीं है सदरी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा गोणई हल्बी भतरी ये सब बस्तर अंचल की बोली है, लेकिन सदरी नहीं है, इसको गलत कर दीजिएगा। चलिए, अब एक मिनट ना, ये क्या ऑन फोन पे, कोई बात नहीं, सब ऐसे पैसा देते रहो ना, मैं बिल्कुल फ्री क्लास करा रहा हूँ। लेकिन जिनका मन है वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर नंबर दिया गया, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नंबर दिया गया, फिर बार कोड दिया गया। अगर आप लोग अपने मन से स्वेच्छा से अगर आप मुझे जो भी अपना स्वेच्छा राशि अनुदान जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 रुपये हो, जो भी हो, है ना, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको इच्छा होता है कि अगर आपको जो भी, जैसे कि देखिए अब यहाँ पर दिया गया है बार कोड, है ना, एक मिनट ना, यहाँ पर एक बार कोड दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमने आपको 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी आपसे स्वेच्छता बनता है, जो भी आपके इच्छा अनुसार, मैं आपको ये नहीं कहूँ कि मुझे इतना रुपया चाहिए करके, अगर आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप लोग मुझे स्वेच्छता राशि देना चाहते हैं, अगर आप, हम क्लास करा रहे हैं बिल्कुल फ्री क्लास करा रहे हैं, लेकिन हमारे मेहनत को देखते हुए, लेकिन अगर आप हमारे मेहनत को देखते हुए अगर आप लोग स्वेच्छता राशि देना चाहते हैं, जो भी बनता है आपको 50, 100 रुपये, 150 रुपये, जो भी आप इच्छा अनुसार देना चाहते हैं, तो बार कोड के माध्यम से या फिर हमारे नंबर फोन पे के माध्यम से गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी इच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी दो,
जिसको अच्छा लगता है वीडियो, जिसको हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगता है, मेहनत जो दिखाई दे रहा है आपको, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए जो परफॉर्मेंस अगर अच्छा लगता है तो आप अपने स्वेच्छता राशि दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हम आपको पैसा नहीं दे सकते, ये प्रॉब्लम है करके। लेकिन जिनको स्वेच्छता है यानी कि जो अपने हिसाब से देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज जो मैं कराने जा रहा हूँ विद्रोह वगैरह से, जितने भी टॉपिक में विद्रोह से कराऊंगा वो बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं डिटेल करा रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव आप लोग बना के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हलवा विद्रोह से। जो आपका हलवा विद्रोह है ना उसको याद रखना, वर्ष 1774 से 1777 तक, ठीक है। जो आपका हलवा विद्रोह है बस्तर में, कारण है उत्तराधिकारी युद्ध, नेतृत्वकर्ता कौन, अजमेर सिंह। तो ये यहाँ से एग्जाम में पूछता है हलवा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे अजमेर सिंह। कौन है? अजमेर सिंह, याद रखना कौन है आपका, अजमेर सिंह है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन है, तो आपका अजमेर सिंह होगा, ठीक है। कौन होगा? अजमेर सिंह होगा, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार परिणाम देखते हैं। तो 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात समाप्त कर दिया, इसे अजमेर सिंह के साथ हलवा जनजाति के लोग भी साथ दिया है, यानी कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हलवा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अजमेर सिंह है, ठीक है। ये अजमेर हो गया है, वो आपका अजमेर सिंह है। उसी प्रकार भोपाल पट्टनम विद्रोह देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, उसको छोड़ दीजिएगा। हाँ चलिए परारकोट विद्रोह से देखते हैं। और जिनको हमारा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, आप जाके जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह, जॉब वगैरह, वैकेंसी वगैरह से या फिर यूट्यूब संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परलकोट विद्रोह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना परलकोट विद्रोह के बारे में। 1824 से 25 में परलकोट विद्रोह कब हुआ था, एग्जाम में पूछता है वर्ष और नेतृत्वकर्ता, याद रखना। तो परलकोट विद्रोह आपका 1824 से 1825, नेतृत्वकर्ता गेंद्र सिंह है, परलकोट के जमींदार। परलकोट के जमींदार कौन है? गेंद्र सिंह, याद रखना। स्थान परलकोट, अबूझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर में। प्रकृतिक है उसका धावड़ा वृक्ष की टहनी, याद रखना। शासक कौन है? महिपाल देव। एग्ज़ाम में सिर्फ तीन ही चीज़ पूछता है, याद रखना, सबसे चार ही चीज़ पूछेगा आपको यहाँ से एग्ज़ाम में, बिल्कुल इसको याद रखना, ठीक है। तो परलकोट के वर्ष याद रखना आप लोग, तो 1824 से 1825 में, याद रखना। परलकोट विद्रोह में जो नेतृत्व करता है आपका गेंद सिंह है। उसी प्रकार आपका शासक रखना महिपाल देव। और ये परिणाम यात्रा 25 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई थी। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी तो आप बताएंगे 25 जनवरी 1825 को उनको गेंद सिंह को फांसी दिया गया था। तो मैं चार टॉपिक आपको बताया हूँ, याद रखना। परिणाम आपका 25 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है शासक यानी कि महिपाल देव से। उसी प्रकार आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा ये नेतृत्वकर्ता यानी कि गेंद सिंह परलकोट के जमींदार। उसी पर चौथा है आपको वर्ष से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और इसको तो रट ही डालिएगा, बार बार कह रहा हूँ रट डालो। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854, याद रखना। तारापुर का जो विद्रोह हुआ था 1842 से 1854 तक, ठीक है। तो इसका क्या क्या याद रखोगे? कारण याद रखोगे मराठों द्वारा कर में वृद्धि, और नेतृत्व करता है दलगंजन सिंह है, ठीक है, याद रखना। शासक भोपाल देव का भाई था, ठीक है। परिणाम क्या था? सफर मराठों को वापस लिया था। नेतृत्व करता, इसमें सिर्फ क्या बातें याद रखोगे? तारापुर विद्रोह में आपको वर्ष और कारण और नेतृत्व करता। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा तारापुर में विद्रोह के जो नेतृत्व करते हैं दलगंजन सिंह है, कमेंट करोगे ना। और मेरिया या मेरिया विद्रोह एग्जाम में पूछा जाता है 1842 से 1863। मेरिया का अर्थ होता है जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है उसे मेरिया कहा जाता है, यानी कि मेरिया मतलब बलि वगैरह दिया जाता है ना, उसको हम मेरिया विद्रोह कहते हैं। तो याद रखना मेरिया का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ में जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है उसको मेरिया कहा जाता है। स्थान दंतेश्वरी माता, दंतेवाड़ा जिले में। नेतृत्व का हरिमा मांझी, इसको याद रखना नेतृत्व करता। जबकि विशेष इस विद्रोह के समय काकती वंश के शासक भोपाल देव पर महाभियोग लगाया था।
एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, लिंगगिरी विद्रोह यानी कि महामुक्ति संग्राम, याद रखना 1856, भैरमदेव, ठीक है, शासक कौन है, भैरमदेव, नेतृत्व करते ध्रुवाराम मड़िया, ये दो ही चीज़ इसमें याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, ये याद रखना। वर्ष 1856 लिंगगिरी विद्रोह कब हुआ था, लिंगगिरी विद्रोह यानी कि महामुक्ति संग्राम आपका 1856 में, स्थान लिंगगिरी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, शासक है आपका भैरमदेव, नेतृत्व करता है ध्रुवाराम मड़िया, और कुछ याद करने जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बस्तर का दूसरा शहीद तो ध्रुवाराम बताइएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कोई विद्रोह से, जो कि 1859 में, याद रखना जो वृक्षों की कटाई के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा उस साल वृक्ष कटाई की जा रही थी तब उसका विरोध किया गया था, तो नारा कौन सा था, एक साल के पीछे एक सिर, याद रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोई विद्रोह में नारा क्या था, तो एक साल के पीछे एक सिर, नेतृत्व तो करता है नागरदोला, सहयोगी को छोड़ दीजिएगा शासक है भैरमदेव, ठीक है, परिणाम क्या आ रहा, सफल रहा अंग्रेजों ने कटाई रुकवा दी, तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यहाँ पर जो नेतृत्व करता है आपका नागरदोला और ये वर्ष 1859 शासक है भैरमदेव, ठीक है। और यहाँ ये पॉइंट याद रखना, मुरिया विद्रोह जो 1876 वाला जो पॉइंट है आपका, नेतृत्व करता है झाड़ा सिराहा, कौन है झाड़ा, याद करिए विद्रोह से 2 से 3 नंबर प्रश्न आएगा, तो झाड़ा सिराहा है उसी पर विद्रोह को दबाया गया था, मैक जार्ज ने विशेष मुरिया विद्रोह बस्तर को स्वतंत्रता बनाया गया था, और ये भूमकाल विद्रोह तो रट्टा मार लीजिएगा ना, भूमकाल विद्रोह को रट्टा मार लीजिएगा, भूमकाल विद्रोह बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसको देखते हैं भूमकाल विद्रोह को, एक मिनट ना यहाँ पर गलती से याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता है, भूमकाल विद्रोह 1910, नेतृत्व करता है गुंडाधुर, नेता नार के जमींदार, ठीक है, मार्गदर्शन बस्तर के राजमाता स्वर्ण कुंवर, और दूसरा राजकुमार लातक कालेंद्र सिंह है, तो बस्तर का आदिवासी किसे कहा जाता है, यह नारा किसने दिया था भूमकाल विद्रोह में, तो इसका शासक हो जाएगा रुद्र प्रताप देव, और प्रतीक है, इसको नहीं पूछता, इसको छोड़ दीजिएगा ना, क्या क्या पूछता है इसको याद रखना, इसमें कि भूमकाल विद्रोह ये आपका आ जाएगा 1910, नेतृत्व करता है गुंडाधुर, भूमकाल मतलब भूमकाल से समझ आ रहा है आपको गुंडाधुर, और शासक है आपका रुद्र प्रताप देव, और मुखबिर रुद्र, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये बाकी कोई मतलब नहीं है, नारा याद रखना और वर्ष और ये वाला, ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा था एक बार कमेंट करके बताइएगा, ऐसी वीडियो और भी चाहिए आपको तो बिल्कुल वीडियो लेकर आएंगे, अगर आपकी इच्छा, अगर आप वीडियो बोलेंगे तो वीडियो हम छोटा सा लेकर आएंगे, वीडियो आपको अच्छा लगता है जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, बाकी और भी वैकेंसी की तैयारी कराई जाए, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, सहकारिता विभाग हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, जो भी छत्तीसगढ़ व्यापम में जो